हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन एसआर एडिटिंग जोन। सो आज आपका अपना भाई समीर हिंदुस्तानी एक बार फिर से आपको एसआर एडिटिंग जोन की तरफ से कुछ इस तरह से फेस स्मूथ करना सिखाने जा रहा है, ठीक है, जिसमें मैंने लाइटरूम ऐप में ही रीटचिंग और फेस को स्मूथ करने की कमाल की सीक्रेट ट्रिक दी है, जिसकी हेल्प से दोस्तों आप लोग कुछ इस तरह से फोटो बना सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। यूट्यूब पर पहली बार ऐसी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपकी एडिटिंग में या चार चांद लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत की है मैंने इसके लिए और आपको लाइक करने में सिर्फ एक सेकंड लगेगा। आई नो आपने कर भी दिया होगा अब तक। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। वीडियो जब देख लें तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगली वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपकी डिमांड पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने फोटो कर लिया है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं लाइटरूम का प्रो वर्जन है ये, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे मॉडल के फेस पर बहुत सारे निशान हैं, सो इनको रिमूव करना होगा हीलिंग ब्रश की हेल्प से। इसकी साइज को आप छोटा ही रखें। और जहां पर निशान दाग धब्बे हैं फेस पर उसको इस तरह से इरेज कर देंगे, ये अपने आप ही ठीक कर देगा जब आप पॉइंट को पिंपल वगैरह के निशान पर रखेंगे। इस तरह से पूरे फेस पर जहां भी निशान हो आप आराम से मिटा सकते हैं, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, हो सकता है कि आपके मन में यह सवाल आ रहा हो कि मैं वीडियोस कंटिन्यू अभी क्यों नहीं डाल रहा हूँ। सो इसके बारे में आपको बताऊंगा, पहले काम की बात करते हैं। यहाँ पर अभी फेस को थोड़ा सा गोरा करेंगे, फेस में जाकर यहाँ से ऑरेंज कलर की ल्यूमिनेंस को बढ़ा लेंगे, ऐसे फेस गोरा हो जाएगा। अभी स्मूथ करने की बारी है, सो इसके लिए सिलेक्टिव टूल का यूज करना है, ठीक है। जूम कर लेते हैं फोटो और ब्रश सेलेक्ट करके कहीं पर भी फोटो के बाहर पॉइंट आप बना लेंगे, ठीक है। ध्यान रखें फोटो के बाहर बनाना है। अभी जूम करेंगे फोटो और फेस पर ब्रश करेंगे। हेयर वाले पार्ट को छोड़ दीजिए आप, और जो पूरा फेस है उसको आराम से आप ब्रश के साइज को कम करके पूरे फेस पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहां से जाने माने इरेजर लेकर दाढ़ी पर जो हो गया उसको इरेज कर लेना है। आप ऐसा समझिए कि फेस पर बस मास्क बनाना है। ओके, अभी यहां से मेरे दोस्तों आपको इसका टेक्सचर माइनस की तरफ करना है, यानी कि कम करना है। क्लैरिटी भी डिक्रीज करनी है माइनस की तरफ, ओके। नॉइज बढ़ा देंगे प्लस की तरफ, ओके। थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं आप अगर आपकी फोटो अंडर एक्सपोज है तो, वरना ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ गया है, लेकिन अभी मजा नहीं आ रहा है। सो हमें और अच्छी तरीके से स्मूथ करना है फोटो को, तो मेरे भाई सिलेक्टेड टूल में जाकर जो पॉइंट हम लोगों ने बनाया था उसको प्रेस करके रखेंगे तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है ये शो होगा डुप्लीकेट ब्रश का। सो यहां से डुप्लीकेट बना लेंगे मास्क अभी और स्मूथ हो गया, लेकिन यार टेक्सचर के तो अह लग गए। सो एक काम करते हैं, मास्क को उठाकर फोटो के बाहर कर देंगे। अभी जूम करके ब्रश करेंगे, आप देख सकते हैं गजब का स्मूथ हो रहा है और दाग धब्बे भी मिट गए, तो कमाल का अंतर आ चुका है। बहुत ही ऑसम ट्रिक थी यार ये। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए।
सो जहां जहां आपको लगे आप वहां ब्रश कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगता है। ओके करते हैं, और जहां देखिए एक्स्ट्रा हो गया है सो इरेजर के हेल्प से आप सही कर लेना, ठीक है। दोस्तों भी टेक्सचर पूरी फोटो का बढ़ा लेना है, क्लैरिटी भी नॉइस रिडक्शन भी कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो सेम प्रोसेस करना है, ठीक है, डुप्लीकेट बनाकर इस तरह से इरेज कर लेंगे। तो हो गई ना स्मूथ गजब की बैकग्राउंड एडिटिंग ऑयल पेंट। अगर आपको सीखना है तो कमेंट करके बताइए, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। अभी देखिए वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपना प्यार हमारे संग बना के रखिए। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरी चैन वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के संग, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना।